एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दिवाली मेकअप। तो बहुत ज़्यादा सिंपल होगा और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा। तो बिना बकबक के चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं अभी रात को शूट कर रही हूँ वीडियो, तो इसलिए आपको थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम लग रहा होगा। तो सबसे पहले हम मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। फेस को क्लीन कर लिया है, तो मॉइस्चराइज़र मैं निविया का लगा रही हूँ। तो मॉइस्चराइज़र मैंने लगा लिया है, अब प्राइमर लगाते हैं। ये वाला प्राइमर मैं हर वीडियो में एक ही प्राइमर लगाती हूँ, आप देखते होंगे। मेरे पास यही है अभी फ़िलहाल, तो मैं चेंज ही नहीं किया इसको। तो आज मैं कोई फाउंडेशन यूज़ नहीं करने वाली हूँ। आज मैं सीसी क्रीम, ये देख सकते हो लेकमी का सीसी क्रीम है, तो इससे मैं अपना जो फेस है उसको रेडी करूँगी। तो काफ़ी अच्छा है यार सीसी क्रीम, आपका फेस में कोई भी ख़राब इफेक्ट ये नहीं डालता है। तो थोड़ा सा गीला करके ही आप ब्लेंड करें। तो ब्लेंड कर लिया है मैंने, आप देख सकते हो। बीबी क्रीम लगा सकते हो, या आपके पास कोई अच्छा सा फाउंडेशन हो तो वो भी आप लगा सकते हो। तो मैं ये देख सकते हो आईब्रो पैलेट से मैं आईब्रो फिल कर रही हूँ। तो आईब्रो फिल कर लिया है, अब हम कंसीलर लगाएंगे। कंसीलर लगाने से पहले मैं अपने अंडर आईज पे थोड़ा सा करेक्ट कर लेती हूँ पिंक कलर से, आप रेड कलर भी लगा सकते हो। अच्छे से आपको कंसीलर जो है अच्छे से लगा लेना है आंखों के ऊपर और नीचे। तो कंसीलर मैंने लगा लिया है, इसको ब्लेंड करना भी ज़रूरी है। ये नहीं कि आप लगा के छोड़ दो फिर गंदा लगेगा, और हाथ से कभी घिसो मत, नहीं तो आपने जो आईब्रो सेट किया है ना ये भी वाइट वाइट हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से आप इसको अच्छे से ब्लेंड करें। और ब्लेंड करते समय एक चीज़ हमेशा याद रखें, आपको ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है, नहीं तो पूरा फेस आपको दिखेगा ही नहीं कि आप मेकअप किए हो कि नहीं। थोड़ा बहुत रहना भी चाहिए, क्योंकि बाद में ना स्किन के साथ साथ वो अपने आप एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर नेचुरल दिखने लगता है। तो ये देख सकते हो मैं लूज़ पाउडर से इसको सेट कर दूँगी अच्छे से। आँखों के ऊपर तो सेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आई शेडो हम बहुत ज़्यादा लाइट लगाएंगे आज, कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम वाला मेकअप नहीं होगा, बहुत लाइट मेकअप होगा। क्योंकि दिवाली में हम लोग हमेशा घर पे ही मनाते हैं त्यौहार, और अगर किसी रिलेटिव के घर जाते हैं तो अगर आप ज़्यादा आई मेकअप करोगे तो लोग बोलेगा अरे यार कितना ज़्यादा मेकअप थोक के आया है। तो एकदम लाइट मेकअप होगा और कोई आपको देख के बोल भी नहीं सकता कि आपने मेकअप किया, इतना ज़्यादा नेचुरल लगेगा। तो इसको सेट कर ले अच्छे से कोई भी लूज़ पाउडर से, थोड़ा सा कंटूर लगा देते हैं ताकि जो फेस मेरा वाइट वाइट हो रहा है वो ज़्यादा वाइट ना लगे। तो कोई से भी ऐसा एक थोड़ा सा डार्क कलर आप देख सकते हो, कंटूर कर लेते हैं। आपका मर्जी है, आप क्रीम कंटूर भी कर सकते हो, पाउडर कंटूर भी कर सकते हो। और जो नया है मेकअप में, यार कैमरा क्या हो रहा है, ब्लैक ब्लैक क्यों आ रहा है। तो जो नया नया मेकअप सीख रहे हो वो कंटूर का रिक्स ना ले, नहीं तो आपका जो फेस है पूरा ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर देते हैं ब्रश से, या अगर आपको लगे कि यह ज़्यादा हो रहा है तो आप फिंगर से भी इसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। थोड़ा सा शेडो रहना चाहिए, नहीं कि आप पूरा इसको पोंछ दो कि दिखाई ना दे, तो लगाने का क्या फ़ायदा हुआ है ना। थोड़ा बहुत दिखना चाहिए कि आपने लगाया है, अगर ज़्यादा लगे तो आप फिंगर से इसको ऐसे ऐसे ब्लेंड कर देना। थोड़ा सा ब्लश लगा देते हैं, और ब्लश याद रखना ज़्यादा मत लगाना, नहीं तो जो आपका
चिक से काफ़ी ज़्यादा रेड रेड हो जाएगा, तो इसीलिए ज़्यादा ब्लश ना लगाए, थोड़ा बहुत हल्का हल्का लगाए कि थोड़ा सा पिंकिश टाइप लगे। अब आई मेकअप करते हैं, क्योंकि मैंने आज रेड पहना है तो रेड कलर दे देते हैं। ये रहा रेड कलर, एकदम लाइट करके मेकअप, मतलब लाइट करके लगाए, ज़्यादा डार्क ना लगाए, नहीं तो बहुत ज़्यादा बेकार लगेगा। आप किसी रिश्तेदार के घर घूमने जाओगे तो वो बोलेगा इतना ज़्यादा मेकअप कौन लगाता है ना, एकदम लाइट लाइट से ही मेकअप अच्छा लगता है। तो अच्छे से इसको ब्लेंड कर दे, थोड़ा सा ये वाला कलर हम इनर, ये थोड़ा सा शिमड़ी है आप देख सकते हो, कोई भी स्पार्कल मत लगाइए नहीं तो बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा। तो थोड़ा सा शिमड़ी हम लगा देते फिंगर से ही, इनर कॉर्नर के अंदर लगाइए, आउटर कॉर्नर पे थोड़ा सा डार्क होना चाहिए, जो आप आई शेडो लगाए हो ना वो थोड़ा सा डार्क होना चाहिए, और इनर कॉर्नर थोड़ा सा लाइट कलर होना चाहिए। तो इसमें हम फिंगर से लगा देते हैं। अब लाइनर कहाँ रख दिया मैंने, ये रहा लाइनर। बार बार अंधेरा हो रहा है इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से, क्योंकि मेरा जो फ़ोन है बहुत ज़्यादा घटिया फ़ोन है रियलमी का। अच्छे से लाइनर अप्लाई कर ले आप आंखों के ऊपर, लाइनर लगा लिए, आप काजल भी लगा लेते हैं। एक्चुअली पता है क्या है, मैं दिवाली में ज़्यादा घूमने नहीं जाती हूँ, और जिस दिन पटाखा वटाखा फोड़ते घर में थोड़ा बहुत पटाखा वटाखा फोड़ लेती हूँ, और मुझे डर भी लगता है, बस फुलझड़ी जलाती हूँ और कुछ भी नहीं। और अगले दिन जब बड़ा दिवाली है, छोटा दिवाली में पटाखा फोड़ते हैं, और बड़ा दिवाली में मैं पटाखा वटाखा फोड़ती नहीं हूँ, जैसे कि शाम के 7-7:30 बजे मम्मी के साथ थोड़ा बहुत घूमने चली जाती हूँ। तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी कि शाम के जो दिवाली है वो कैसा होता है, आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लो, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास जाए, क्योंकि मेरे चैनल पर बहुत सारे ब्लॉग्स वगैरह है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लाती हूँ मैं। लगा लिया है लेकिन थोड़ा सा नीचे इसको स्मच कर लेते हैं, हाइलाइटर लगा लेते हैं। आपको सामने से भी दिखाऊंगी कितना ज़्यादा खूबसूरत और लाइट मेकअप लग रहा है ये। एक्चुअली क्या ही बोले, जो दिवाली है ना, मेरे को बंगाली लोगों में तो ज़्यादा नवरात्रि स्पेशल होता है, लेकिन मेरे को दिवाली बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि देखिए हर जगह पे लाइट ही लाइट, पटाखे, दिए है, नज़ारा ही अलग होता है। तो थोड़ा बहुत हाइलाइटर आप लगा लो, पूरे फेस पे हाइलाइटर मत लगाओ नहीं तो बहुत ज़्यादा चमक चमक आएगा, दूर से ही लगेगा कि आप कुछ अलग सा लगाओ। आज पिंक कलर का लिपस्टिक लगाऊंगी, क्योंकि चॉकलेट कलर लगा लगा के मैं बोर हो चुकी हूँ, इसीलिए पिंक कलर का लगाना है। मर्जी, आप कोई सा भी इयर रिंग आपके मनपसंद का लगा सकते हो। मैं आज ये वाला इयर रिंग्स लगाऊंगी, आप देख सकते हो थोड़ा सा ब्लैक कलर का है साइड में, क्योंकि मेरे पास है एक जो रेड कलर का है, मतलब नीचे रेड कलर का कुछ उल का बना हुआ है, वो मुझे पसंद नहीं आया, तो मैं सोच रही हूँ कि ये ब्लैक कलर का ही लगाओ, तो पूरा ओवरऑल लुक आपको दिखाती हूँ। रुकी, तो आप देख सकते हो मेरा लुक काफ़ी ज़्यादा मतलब सिंपल और नेचुरल लग रहा है। तो आप भी आराम से ये बहुत ज़्यादा कम बजट में आप घर पे यूज़ कर सकते हो, और दिवाली में इतना ज़्यादा मतलब हाई मेकअप अच्छा भी नहीं लगता है, तो काफ़ी ज़्यादा लाइट मेकअप हुआ है और बहुत ज़्यादा सुंदर भी लग रहा है, तो आप आराम से घर पे ये ट्राई कर सकते हो। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या कोई सा भी ब्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा मेरे चैनल पर ब्लॉग्स और स्किन केयर रूटीन, मेकअप वगैरह लाती रहती हूँ। तो ओके, बाय, और आप सभी को हैप्पी दिवाली।